हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस दिवाली हम पानी के दिए के साथ साथ कई तरह के दिए जलाएंगे, वो भी तवा के खाली रैपर से। तो आज मैं आपके साथ कई तरह के दिए जलाने के टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कई तरह के दिए हम कैसे जलाएंगे, वो भी दवा के खाली रैपर से। तो इसके लिए मैंने दो मिट्टी के दिए लिए हैं और एक कांच का बाउल लिया है। अगर आपके पास कांच का बाउल नहीं है तो आप बॉटल के नीचे वाले पार्ट को कट कर लीजिए। नीचे वाला पार्ट देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, तो नीचे वाले पार्ट को आप कट कर लेंगे तो ये बाउल का ही काम करेगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। अब हम कटोरी, बॉटल और दियों में पानी डाल देंगे। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर, किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो मैंने सभी में पानी डाल दिया है। अब इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कलर। तो आपके पास जो भी कलर है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक में फूड कलर डाला है। अगर आपके पास फूड कलर या फिर बच्चों का कलर नहीं है तो आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक बाउल में मैंने फूड कलर डाला है और एक में मैंने हल्दी डाला है और दोनों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसे आप और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप इसमें बीड्स, फ्लावर वगैरह डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गेंदे के फूल से भी इसकी सजावट कर सकते हैं, या फिर आपके पास राखी बची हुई है तो आप उसे भी इस पर डाल दीजिए, वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप इस तरह से अपने पानी वाले दिए को अच्छी तरह से सजा लीजिए। अब हम बनाते हैं दिए के लिए बाती। तो उसके लिए हमने कॉटन लिया हुआ है। अब हम बाती बनाते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा सा कॉटन ले लेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग एक बाती नहीं लगाते हैं, दो बाती लगाते हैं, तो उसके लिए आपको दो बाती तैयार कर लेनी है। दो बाती तैयार करने के बाद आप दोनों बातियों को एक में इस तरह से मिला लीजिए। तो मेरे पास पहले से ही एक बाती बनी हुई थी तो मैंने दोनों बाती को एक साथ मिला दिया है। तो ये हमारी दोहरी बाती बनकर तैयार हो गई है। अब हम छोटी छोटी बाती बनाकर तैयार करेंगे, क्योंकि हमारे दिए छोटे हैं और पानी के दिए में भी बहुत लंबी बाती की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े से कॉटन को आप हथेलियों पर रख दीजिए और हथेलियों की मदद से इसे आप रब कर लिए। बहुत ही आसानी से बाती बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए, मैंने 3 से 4 बाती बनाकर तैयार कर ली। मैंने छोटी छोटी बाती बनाई हुई है। अगर आपकी बाती बड़ी बन जाती है तो आप इसे बीच से कट करके छोटा कर लीजिए, और अगर दिया बड़ा है तो आप लंबी बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस दिए को जलाने के लिए हम ले लेंगे मेडिसिन के खाली रैपर। तो ये मेरे पास कुछ मेडिसिन के खाली रैपर थे। देखिए, इसमें से कुछ दवाइयाँ निकली हुई हैं और कुछ बची हुई हैं। तो जो खाली रैपर है उसमें से हम इस पार्ट को निकाल लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे हमें कट कर लेना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, बिना स्किप किए इसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें दवा के खाली रैपर को निकाल लेना है। जिस हिस्से में दवा नहीं है उस हिस्से को आप कट कर दीजिए। तो मैं कई तरह के दवा के रैपर को कट करके आपको दिखा रही हूँ। सभी रैपर में ये बाती आसानी से लग जाती है और आपका दिया भी बहुत ही अच्छी तरह से जलता है। इस तरह से आप दवा के रैपर को निकाल दीजिए और ऊपर से जो भी इसका पेपर है उसे आप साफ़ कर दीजिए। आपके पास दवा का खाली रैपर नहीं है तो उसकी जगह आप एल्युमिनियम फॉइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप 4-5 फोल्ड में मोड़ लीजिए, उसके बाद आप इसे बीच से कट कर दीजिए। इस तरह से भी आप दिए को जला सकते हैं। अगर आपके पास फॉइल पेपर भी नहीं है तो उसकी जगह आप प्लास्टिक बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कड़े पॉलिथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस दिए को जलाने के लिए हम लंबी मेडिसिन या फिर गोल मेडिसिन, जो भी मेडिसिन आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दवाई का रैपर भी नहीं है, एल्युमिनियम फॉइल भी नहीं है और बॉटल भी नहीं है तो उसकी जगह आप
तेल का भी पैकेट ले सकते हैं और उसे सर्कल शेप में कट कर दीजिए, ये भी उसी तरह से वर्क करता है। या फिर अगर आपके पास कड़ी पॉलिथीन है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों पर हमें बीच में छेद बना देना है जिससे इसमें बाती आसानी से जा सके। तो मैंने कैंची की मदद से बीच में इसके छेद बना दिया है। देखिए, दवा के रैपर में, एल्युमिनियम फॉइल में या फिर प्लास्टिक में, किसी में भी आप इसे छेद बना सकते हैं। अगर इससे छेद नहीं बन रहा है तो आप कोई नुकीली चीज़ ले सकते हैं, लेकिन सीज़र से बहुत ही आसानी से बीच में छेद बन जाता है। देखिए कितनी आसानी से छेद बन गया है। अब हम बाती को तैयार करेंगे, क्योंकि हम इस पानी के दिए को बिना तेल के जलाएंगे तो हमें इसके लिए बाती को भी तैयार करना है। तो अब हम ले लेंगे कैंडल। इसके लिए आप टूटे फूटे कैंडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बर्थडे में जो कैंडल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप 5 रुपए की कैंडल खरीद लीजिए और उसे कट करके एक दिए में या फिर पैन में रख दीजिए। अब इसे आप गैस पर रख कर मेल्ट कर लीजिए। दिए में कैंडल को मेल्ट करने से ये काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है, क्योंकि दिया बहुत देर तक गर्म रहता है तो ये लंबे समय तक मेल्ट रहता है, जल्दी जमता नहीं है। अब इसमें जो भी धागा है उसे निकाल लीजिए। अब गैस को बंद कर दीजिए। अब हम सारी बातियों को इस कैंडल में डाल देंगे। आप ये सारे काम दिवाली से पहले कर लीजिए। जैसे आज धनतेरस है तो आज ही सारे काम करके रख लीजिए, जिससे आपको दिवाली में ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैंडल में सभी बातियों को डुबोकर इसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख दीजिए, जिसे ये अच्छी तरह से वर्क करे। तो सभी बातियों को मैं डिप करके सुखा लूँगी। उसके बाद हम दिए को जलाएँगे। सभी बातियों को डिप करने के बाद अब हम सूखने के लिए रख देंगे। देखिए बातियाँ सूख गई हैं। अब हम इन सूखे हुए बातियों को इस मेडिसिन के खाली रैपर में डाल देंगे। देखिए, जिसे मैंने बीचों बीच में छेद किया हुआ है, इस तरह से आपको बाती को डाल देना है। ये बहुत ही आसानी से चला जाता है और नीचे से मैं इसे रैपर के अंदर घुमा दे रही हूँ। तो ये बाती हम थोड़ी अलग तरह से बनाएंगे। तो मैंने इसके लिए एक खाली दिया लिया हुआ है, इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, इस मेडिसिन को हमें इस तरह से दिए में रख देना है और जो मेल्ट किया हुआ कैंडल है उसे हमें दिए में डाल देना है। अब इसे हमें पूरी तरह से सूख जाने देना है। ये हमारा एक तरह का दिया बनकर तैयार हो गया है। अब हम आपको और भी कई तरह के दिए बनाना बताएंगे। तो पहले हमें इस मेडिसिन के खाली रैपर में बाती को डाल देना है। इसी तरह से हम सिल्वर फॉइल में और प्लास्टिक में भी बाती को डाल देंगे। ये सभी बातियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम बिना तेल के पानी में दिया जलाएंगे। तो इसमें मैंने मेडिसिन वाली बाती डाली थी तो इसे मैंने ऐसे ही डाल दिया था, जिसकी वजह से मेडिसिन का रैपर ऊपर की तरफ तैर रहा था। तो हम इसे गोलाई से कट कर लेंगे। इसके किनारे वाले साइड को हम कट कर लेंगे। अब हम इसे दिए में डालेंगे। देखिए, ये पूरी तरह से इसमें बैठ गया है और बाती भी बिल्कुल सीधी है। देखिए, ये हमारा दूसरी तरह का दिया बनकर तैयार हो गया है। ये दिए के बिल्कुल बीचों बीच में ही रहता है और ये बहुत ही अच्छी तरह से बिना तेल के भी जलता रहता है। अब हम तीसरी तरह का दिया तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। अब हम दिए में तेल को डाल देंगे और जो हमने पानी को रखा हुआ था उसमें भी हम धीरे धीरे बीचों बीच में तेल को डालेंगे। तेल को फटने नहीं देना है, इसे हमें आहिस्ते से डालना है जिससे तेल फटने ना पाए। अगर तेल फट जाएगा तो दिया अच्छी तरह से नहीं जलेगा, तो इसलिए इसे आपको आहिस्ते से डालना है जिससे सारा तेल एक ही जगह इकट्ठा रहे। अब हम एक दिए में डाल देंगे प्लास्टिक वाली बाती, जो हमने प्लास्टिक के पैकेट से बनाया हुआ है। अब इस बाती में हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसे हम पानी वाले दिए में डाल देंगे। देखिए, इस तरह से जहाँ पर हमने तेल को डाला हुआ है वहीं हमें इस बाती को डाल देना है। अब हम ले लेंगे दवाई के रैपर वाली बाती, उसे भी हम पानी में आहिस्ते से डालेंगे जहाँ पर बीचों बीच में हमने
तेल डाला हुआ है वहीं पर हमें बाती को रखना है, इधर उधर नहीं रखना है। अब जो हमने तेल लिया हुआ है उस पर हम सिल्वर फॉयल वाले बाती को लगा देंगे। तो सिल्वर फॉयल काफ़ी बड़ा था तो इसे मैं मोड़कर छोटा कर ले रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें छोटा सा सिल्वर फॉयल का बाती तैयार कर लेना है और इसे दिए के बीचों बीच में रख देना है। ये सारे दिए हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए ये सिल्वर फॉयल वाला, ये कैंडल वाला और ये पानी का दिया और ये कलरफुल पानी का दिया जिसे हम तेल से जलाएंगे। तो अब मैं आपको इसे जलाकर दिखाती हूँ। आप चाहे तो और दियों में फूल वगैरह डालकर सजा सकते हैं। अब मैं आपको इसे जलाकर दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरह से वर्क करता है और घंटों घंटों जलता रहता है। बहुत ही कम तेल में ये दिया बहुत ही लंबे समय तक जलता रहता है। तो दोस्तों इसे मैंने पूजा के लिए नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ अपने घर को सजाने के लिए बनाया हुआ है। दिवाली के दिन सभी अपने घर को तरह तरह से सजाते हैं, तो आप इस तरह से पानी के दिए बनाकर अपने घर को सजाइए। ये लंबे समय तक जलता भी रहता है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये दिया थोड़ा सा चटचट कर रहा है क्योंकि इसकी बाती में थोड़ा सा पानी लग गया था, मगर थोड़ी ही देर बाद देखिए ये दिया कितनी अच्छी तरह से जल रहा है। अब सभी दियों को मैंने जला दिया है। देखिए ये दिया कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस दिवाली आप इस तरह के दिए जलाकर अपने घर को रोशन करिए और अपने पैसों की बचत भी करिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।